सबसे ऊंची राजस्थान की जाती है, फिर यूपी की, फिर एमपी की, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, एक एक क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी, एक क्वेश्चन का डिफरेंस नहीं रहेगा, सबकी एक सी रहेगी, हरियाणा एक आध क्वेश्चन डिफरेंस हो सकता है, वरना ये चार स्टेट एक से, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली इनसे सबसे कम, उत्तराखंड और दिल्ली एक जैसे रहेंगे लगभग, ठीक है। तो अगर आपको मैं कह रहा हूँ फिजिकल 53 से 56, तो आप समझ लीजिए 55-56 ऊपर के चार राज्य की 54-55 और नीचे की 53 वाले ये नीचे के दो राज्य हैं, ठीक है, इस तरह से मान सकते हो। तो ये रहा आपका यूआर का फिजिकल, 53 से 56 क्वेश्चन के बीच में हो जाएगा, सिंटू लगा देना भाई जो सबको दिख जाए, और फाइनल कट ऑफ 57 से 60 क्वेश्चन के बीच जाने वाली है। और फिजिकल के लिए बात कर ले, ओबीसी की, जनरल की बात है बच्चों, ओबीसी की बात करूं तो 51 से 53 क्वेश्चन है और फाइनल 57 से 59 क्वेश्चन जा रही है इन राज्यों की। और EWS की बात करूं तो इस बार आंकड़े चौंकाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जनरल और EWS में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, हो सकता है एक आध नंबर का ही अंतर रहे या बिल्कुल भी ना रहे, एग्जैक्ट वही लग जाए। EWS और जनरल ने बहुत चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं, ऐसा लगता है हर जनरल के बच्चे ने EWS का अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है, आज जितना भी मैं डेटा कलेक्ट कर पाया हूं। तो EWS की 52 से 55 क्वेश्चन और फाइनल 56 से 59 क्वेश्चन जा सकती है। SC की बात करें तो 48 से 51 क्वेश्चन और फाइनल 53 से 55 क्वेश्चन। ST की बात करते हैं तो 46 से 48 क्वेश्चन और फाइनल 51 से 54 क्वेश्चन के बीच जा सकती है इन राज्यों के लिए। आगे बच्चों, हिमाचल प्रदेश और झारखंड को ही रखा है मैंने ग्रुप 2 में, तो यहां पर 43 से 45 क्वेश्चन फिजिकल और 51 से 54 क्वेश्चन फाइनल। और ओबीसी की बात करूं तो 41 से 44 और फाइनल की बात करूं तो 42 से 46 के बीच। और EWS आप यहां देख सकते हो दोनों की, इन राज्यों की, और SC ST की देख सकते हो, ठीक है। आगे बात कर लेता हूं ग्रुप 3 में, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और वेस्ट बंगाल को मैं यहीं पर लेता हूं बच्चों। तो यहां पर 38 से 41 क्वेश्चन जनरल के लिए जा रही है फिजिकल और 43 से 46 फाइनल जा रही है, 35 से 40 क्वेश्चन और 40 से 42 फाइनल जा सकती है। आगे बच्चों, इन राज्यों की अगर आप और देखें, EWS SC ST ये भी चेक कर लीजिए, सबको सामने लिखी हुई है। और ग्रुप 4 गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड अदर्स, अदर्स में मैंने बता दिया जितनी भी यूनियन टेरिटरी बच गई चंडीगढ़ दिल्ली को छोड़ के, वो सारी साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स वो लगभग इसी कैटेगरी में आएंगे या इससे भी नीचे ही जाएंगे, इससे ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है उनका। तो आप देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चंस पर आप लोगों की कट ऑफ जा रही है हमारे मिलाए हुए डेटा के अनुसार। उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों की 80% पर, लड़कों की 85% पर, और इस बार पेपर का पैटर्न बदला है तो भी मैं आपको SSF की बता देता हूँ, ऑल इंडिया वैकेंसी। और हम लोग जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा, चाहे वो फाइनल आए चाहे PLT वाला, और मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, मैं PLT का नहीं बता रहा, चलो PLT का भी बता देता हूँ कि PLT और जो फाइनल मेडिकल के लिए जाएंगे, और फाइनल जो जाएगी वो
उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं, इनका जो कट ऑफ रहता है आप पिछली बार भी देखे होंगे लगभग लगभग बराबर रहता है या एक दो नंबर आगे पीछे रहता है, एक दो नंबर आगे पीछे रहता है। तो अगर इनमें हम बात करें युवा जनरल की, अगर बात करें तो जनरल की जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की बात करें 102 से 108 के बीच में है, जो स्टूडेंट 102 से 108 के बीच में है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, हाँ, ये जो आपकी कट ऑफ है ना, फिर से बता देते हैं, जो गूगल डेटा है उसके आधार पे बताया जा रहा है, लगभग लगभग यही रहने वाला है, बहुत होगा एक दो नंबर कम हो सकता है, एक दो नंबर आगे बढ़ सकता है। रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का 100 से 105 का, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अभी अभी सीजीएल का रिजल्ट आया तो उसमें क्या रहा, जनरल और ओबीसी को बराबर ही कर दिया, तो यहाँ पे अब देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम रहेगा, ईडब्ल्यूएस का बराबर नहीं रहेगा जनरल के मुकाबले, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम रहेगा। उसके बाद बात करें एससी की, एससी की बात करें तो 94 से 98 और एसटी की बात करें तो 90 से 95, ये रहने वाले हैं किन राज्यों के लिए, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इनमें क्या होता है, आप एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा, प्लस माइनस 2-3 ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद से अगर अलग और जो राज्य हैं जिनके एक जैसे मेरिट जाते हैं, अगर उनकी हम बात करें, उनमें आ जाएगा दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, इसका अगर जनरल की बात करें तो कम आता है, आपको पता ही है इन राज्यों के मुकाबले ये जो राज्य है इनका जो कट ऑफ होगा वो कम ही रहने वाला है, ये 90 से 94 के बीच रहने वाला है, कितना 90 से 94 के बीच जनरल वालों के लिए रहने वाला है। ओबीसी वालों की अगर हम बात करें तो 88 से 92 के बीच रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 88 से 92, ये भी लगभग लगभग बराबर ही ओबीसी के ही बराबर रहने वाले हैं, देखिएगा। उसके बाद से एससी की बात करें तो 82 से 85, एसटी की बात करें तो 76 से 79, ठीक है, ये इन राज्यों के लिए है, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए ये रहने वाला है। उसके बाद और एक अन्य राज्य की बात करें, अन्य जो राज्य है जो इनसे भी थोड़ा सा कम आते हैं, जिनके कट ऑफ कम लगती है, अगर उनकी बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या करना है ना, नंबर की बात करें इसमें आप प्लस माइनस वो चीज कर लीजिएगा जो आपका नेगेटिव मार्किंग है, घटा के जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये ना करिएगा कि इतने नंबर है इतने नंबर है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, हाँ, ऐसे आप लोगों को क्या करना है, माइनस घटा के इतना अगर है तो आप लोग फिजिकल के लिए तैयारी में लग जाइए। अभी बताएंगे नॉर्मलाइजेशन में भी, नॉर्मलाइजेशन की भी बात करेंगे, देखिएगा उस, तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ है वो है 106, पिछली बार से थोड़ा जो मैंने कट ऑफ बताई थी एक नंबर बढ़ गई कट ऑफ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ऐसा रहा है, पेपर बहुत सरल लगा मुझे, थोड़ा सा पेपर सरल लगा और जिस हिसाब से मैंने फिर एनालाइज किया तो मुझे लगा 106 कट ऑफ, देखो इससे कम भी जा सकती, गारंटी नहीं कर रहा हूं 106, इससे कम भी हो सकती है और एक दो नंबर ज्यादा भी हो सकती है, देखो लेकिन कम होने के चांस 90% है, ज्यादा होने के का नंबर 10% है, सिर्फ 10%, इसलिए कह रहे थे बाय चांस हो जाए तो तुम लोग गाली ना बको धनंजय सर को, ठीक है, चलिए। तो ये आपका 106, इससे अगर आपके 2-3 नंबर कम है तब भी दौड़ने लगो कल से, अभी से चले जाओ जल्दी से, वीडियो बंद कर देना क्लास के बाद, आप दौड़ने लगना, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस है उनकी 103 नंबर, ठीक है, जो ओबीसी है उनका 101 नंबर, एससी का 93, एसटी का 88, तो ये तो रेड जोन वालों का है जहां पे बहुत हैवी कट ऑफ जाती है। अब आती है येलो जोन, येलो जोन तो क्या, अब आप लोगों में बता चुका हूं येलो जोन कौन सा, रेड जोन कौन सा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों को देखना है कौन सा येलो जोन कौन सा रेड जोन है, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो येलो जोन में यूआर कैंडिडेट है, जो जनरल कैंडिडेट है, तो उनकी कट ऑफ जाएगी 90 प्लस होगी, ठीक है, 90 प्लस या 2-3 नंबर कम भी कर लो, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले उनके 88, ओबीसी वाले 87, एससी वाले 77, एसटी वाले 68, तो ये कट ऑफ हो गई आप लोगों की, कहां की, येलो जोन वालों की। सभी लोग लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, और ये भी बताओ जल्दी से कि यहाँ पे कितने लोगों का हो रहा है, जिन लोगों का आ गया वो यस करें, जिन लोगों का नहीं आया है वो एक बार नो कर दें, पता भी लग जाना चाहिए यहाँ पे कितने लोगों का हो रहा है कितने लोग नहीं, नो और यस, हो रहा है तो यस लिखिए, नहीं हो रहा तो